दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके नॉर्मल फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है उसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। अब दोस्तों इसको हम जो है घर पर भी प्रिंट कर सकते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि हम कैसे प्रिंट करें। हमारे पास कई सारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं प्रिंट करने के, हमें या तो फिर आपको फोटोशॉप यूज़ करते नहीं आता होगा या फिर फोटोशॉप यूज़ करते भी आता होगा तो हमें उसकी पासपोर्ट साइज की जो एक साइज रहती है पासपोर्ट साइज फोटोज की वो हमें पता नहीं रहती होगी, या फिर पता भी रहती होगी कि कैसे हम उसको शीट पे निकाल सकते हैं, कई सारे एक साथ जो है कॉपी करके उनकी एक साथ कैसे निकाल सकते हैं ये नहीं पता होता होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप ऑनलाइन फोटो बना सकते हैं पासपोर्ट साइज और उसको आसानी से आपके प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे कंप्यूटर में चलना पड़ेगा और कंप्यूटर में चल के मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से जो है पासपोर्ट साइज आप फोटो जो है वो प्रिंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अगर ऑनलाइन चाहिए, यानी कि आपके पास सिर्फ एक फोटो है और आप चाहते हैं कि उस फोटो को प्रिंट हो जाए, बट यहाँ पे आपको एक एक करके प्रिंट नहीं करना है, उसको सारी एक शीट आती है उस शीट में प्रिंट करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जो कि ये वेबसाइट है onlinepassportphoto.com। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वेबसाइट की, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके और इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अपने फोटो बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका एक फोटो चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे फोटो के लिए आप, अगर आपके पास आपका फोटो है तो इस वेबसाइट पे विजिट करना है आपको, और विजिट करने के बाद दोस्तों आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी कंट्री चूज करनी पड़ेगी क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग यहाँ पे फोटो साइज होता है, प्रिंट करने की जो शीट होती है वो हर कंट्री की अलग अलग होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हमने फ्रांस सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 8 फोटो और साइज 35x45 mm ऐसा लिखा हुआ है। अब प्रिंटिंग शीट पे होगा और 150x110 mm, तो यहाँ पे हम जैसे इंडिया करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इंडिया सिलेक्ट कर दिया, तो ये जो आप साइज देख पा रहे हैं वो साइज थोड़ी कम हो गई, 35x35 हो गया, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं शीट वही है बट साइज छोटी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो है इस तरह से ये जो कर सकते हैं, अब कस्टम आपको साइज करना है तो कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको चूज करना है वो कर सकते हैं, बट हमको जो साइज रखना है वो यहाँ पे जो अभी सिलेक्टेड है ऑलरेडी वो यहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड होता है। अगर आप कहीं पे भी अगर फोटो प्रिंट कराने जाते हैं तो यही एक स्टैंडर्ड होता है फोटो का, तो यहाँ पे आपको 8 फोटो यहाँ पे निकल जाएंगे एक साथ एक ही फोटो से। तो वो कैसे निकलेंगे इसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा, हमारा फोटो अपलोड करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर आपको 8 नहीं निकालना है तो कम भी निकाल सकते हैं। वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे 45 सिलेक्ट कर देंगे तो वो थोड़े से साइज बड़ी हो जाएगी फोटो 45 अगर आप सिलेक्ट करेंगे हाइट में, तो इस तरह से ये जो है फोटो की साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई देता है साइज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपका फोटो रहेगा, बट इंडिया का अगर हम बात करें तो 35x35 का ही फोटो रहता है। अब हम डायमेंशन की बात करें जो कि बोर्ड का रहेगा, यानी कि जो जिसपे आपको प्रिंट कराना है वो, तो हम यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे 100x100, तो इस तरह से ये जो है लंबी साइज में फोटो आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा और साइज में बड़ा चाहिए इस तरह से तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप जो है जो भी आपको लगे उस तरह से आप जो है, अगर आपको 6 फोटो चाहिए तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कम फोटो चाहिए तो आप थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ये साइज बड़ी हो जाएगी, ये इंच में हो जाएंगे, वो एमएम में थे अब ये इंच में हो गए, तो इस तरह से ये जो है पूरी साइज यहाँ पे। अब अगर आपको कस्टम करना है तो कस्टम भी कर सकते हैं इस तरह से, बट आपको कस्टम नहीं करना है बड़ी यहाँ पे आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, 4 फोटो हो गए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यहाँ सबसे बड़ी जो साइज है 5x7 की वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से सारे फोटो यहाँ पे आपके जो है इसी तरह से जो आप प्रीव्यू देख रहे हैं इसी तरह से प्रिंट होंगे एक शीट पे। तो हम यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट पे, और यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपका कौन सा फोटो अपलोड करना है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक SRK सर का एक फोटो लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा उसके बाद कि आपको ये फोटो कौन सा चाहिए, कितना चाहिए और किसे इसको चाहिए। प्रीव्यू आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रीव्यू। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरह से, जैसे ये नॉर्मल फोटो लिया है हमने, ये वेबसाइट मेनली इसी के लिए है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाओ आप और प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली इस वेबसाइट की मदद से। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो, अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप फोटो ले रहे हैं वो एकदम क्वालिटी फोटो होना चाहिए। अब जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी आपके फोटो में, एकदम
हाई HD फोटो होगा वो, एक तरह से हम मान लो के लें, तो वो इतनी उतनी ही आपको क्वालिटी मिलेगी प्रिंट में। अब ये फोटो इतना HD नहीं था, क्वालिटी नहीं थी, तो आपको वो जो हमको जो इसकी क्वालिटी देखने को मिलती है वो भी इसी तरह को देखने को मिलती है। बट आपको मैं आज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो हम मैंने कोई सा भी यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट जो है कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा और साइज में बड़ा चाहिए, ये थोड़ा और साइज में, तो इस तरह से आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमको पासपोर्ट साइज जो हमको लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शोल्डर के यहाँ तक इतना इतना जो है फोटो हम लेते हैं, तो ये इतना हमने फोटो ले लिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रीव्यू देख लिया इसका, इस तरह से हमारा पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो बनेगा। अब जैसे हमने क्रॉप पे क्लिक किया, जैसे ये आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और वो फोटो क्रिएट कर रहे हैं हमारा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो क्रिएट हो चुका है। अब आप या तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, आपको खुद को ईमेल कर सकते हैं, किसी को आपको मेल करना है, ये पूरा शीट जो डाउनलोड ये हुई है इसको आपको मेल भी कर सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट डाउनलोड करना है, तो हम जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये जो फोटो यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड होने लग जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फोटो जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ किस तरह का ये फोटो जो है बनाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो स्टूडियो में आपने देखा होगा कई बार इसी तरह कि जो फोटो है आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह की शीट जो है ऑटोमेटिकली बन के आ चुकी है। अब डायरेक्टली इसको आप प्रिंट दे सकते हैं, ये प्रिंट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी की बात आती है, तो जो क्वालिटी आप फोटो की लेंगे उसी तरह की आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप क्वालिटी फोटो लेंगे तो आपको क्वालिटी फोटो, ऐसा नहीं है कि आप मान लो आपने कम क्वालिटी फोटो लिया तो वो ठीक ठाक प्रिंट नहीं होगा, वो भी प्रिंट होगा, बट उस तरह की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो क्वालिटी फोटो नहीं लिया था तो ये ब्लर हो चुका है पूरी तरह से। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे पूरी क्वालिटी देखने को मिलती है अगर आप क्वालिटी फोटो लेते हैं तो। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपके पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट कर सकते हैं कोई भी फोटो को लेके। अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपका और भी कोई सवाल है इस वीडियो के अलावा भी, कोई अगर क्वेश्चन है आपका, किसी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेक से रिलेटेड या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वेबसाइट का विजिट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां से आप इजिली इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और उसको बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकें। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपका पासपोर्ट साइज नॉर्मल फोटो से पासपोर्ट साइज बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जाननी जरूरी होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में आते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।